I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shemaroo Me. मुझे सुनने लगा मेरी उम्र कोई 10-11 वर्ष की होगी एक दिन रमेश आया कहने लगा ये ले सिगरेट पी जा मैंने कहा नहीं नहीं सिगरेट विगरेट नहीं पीना हंसने लगा जोर से जोर जोर से हंसने लगा कहने लगा बुजदिल कहीं का उसने मुझे बुजदिल का इतना बुरा नहीं लगा मुझे इतना मुझे हंसी पे बुरा लगा जोश आ गया एकदम से इधर ला सिगरेट मैं भी पीता हूँ मुंह में लगाया जोर से सूटा मारा बस खत्म इतनी बुरी तरह से खांसी आई कि तबीयत हरी हो गई खांसते खांसते लाल हो गया मुंह मेरा इतने में क्या हुआ वो मैथमेटिक्स का टीचर आ गया खड़ा हो गया अरे सुनने लगा हम लोग चुपचाप खड़े हो मुंह मेरा लाल एकदम अब चोर के पांव थोड़े ना होता है देख लिया उसने ए सुबीर इधर आप पास किया मैं मुकर ऐसे करके सुनूंगा पकड़ा के ये बात है बगल वाले कमरे में एक बेंत रखी है लेके आओ मेरी बदकिस्मती देखो मार मुझे पड़ने वाली है और मुझे को कह रहा है बेंत लेके आओ सर साहब गए बेंत लेके आए आते ही सार जो उसने रसीब किया है सड़ाक सड़ाक बस क्यों मुझे नहीं सुनना है क्यों मिर्गी पड़े ऐसे मास्टर बहुत लगी थी ए इधर भी मारा था सिंधु तो क्या हुआ सुबह कोई देखेगा तो क्या समझेगा क्यों समझेगा इतनी रात के हेलो मैं राधा हूँ हरिदास सम्मेलन में मिली थी ना हाँ हाँ पहचान लिया कहिए आपने सचमुच शादी कर ली है जी हाँ बीवी कहाँ है जी बीवी तो इस समय मायके गई हुई है आपने शादी क्यों कर ली सुबीर जी इतने दिलों का तोड़ना अच्छा हुआ क्या क्या करूं मैं तो खुद गलती करके पछता रहा हूँ सच कह रहे हैं हाँ मैं तो अब ये सोच रहा हूँ किस तरह अपना गला इस फंदे से निकाला जाए डिवोर्स कैसे हासिल करें कौन किसकी आवाज है ये जी वो मेरी मेरा नाम उमा है सुबीर जी की पत्नी हूँ मैं ए, ए, क्या हुआ कुछ नहीं मुझे सोने दो अरे आखिर बात क्या बोलो ना कहा ना कुछ नहीं मुझे सुनने दो सुबह होने को आई ओह अभी अभी तो ठीक थी एकदम से तीखी मिर्ची की तरह क्या हुआ यही होता था ना मुझसे पहले आधी आधी रात को लड़कियों के टेलीफोन उनकी सुनते और खुद की सुनाते अरे बाबा वो जब की बात है अब नहीं होगा सच्ची से अब नहीं मेरी 100 घंटे हाँ लेता लेकिन एक शर्त मेरी भी मानी क्या देखो हर रोज ज्यादा नहीं है 100-200 अरे सुनो ना कम कर देता 60-70 अरे उमा सुनो ए ए उठो उठो छोड़िए ना छोड़िए छोड़िए ना गाओ ना कितनी सुंदर धुन है बोल कैसे लगे मुखड़ा अच्छा हो ना तो बोल अपने आप सुंदर हो जाते अच्छा अच्छा इसका मतलब क्या है जो बोल कहते हैं बोल क्या कहते हैं
नहीं मालूम? देखो, कला में जो बात कह दी जाती है वो इतनी बड़ी नहीं होती जितनी वो बात जो नहीं कही जाती। ये गाना हमारे भविष्य का गाना है, फूल से फल बनने का गीत। नहीं समझे? चलो मैं समझाता हूं। तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूं। तुम मुझे प्यार करती हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। ये जो हम दोनों की प्यार की वजह से जो तीसरा आने वाला है ना, वो नहीं। क्यों नहीं? अरे कोई नहीं देख रहा। बहू रानी, मंगला जेब देख ले। ये लो। हाय भैया। हाथ नीचे कर। अरे नीचे कर। विष्णु भैया। हाँ दीदी। याद है आज खाए में का बनी है? हाँ दीदी, बैगन का भरता, बेसन की रोटी, मोटी मोटी और और का नाम के भूल गया ना। हाँ दीदी, कमल ककड़ी के बड़े। उठो। उठो ना। उठो। हाँ बोल। अरे भाई राव साहब आए हैं। राव साहब? अच्छा अच्छा बैठा लो, मैं भी आता हूँ। अरे विष्णु, राव साहब आए, जरा गरम गरम कॉफी मारे ने। हाँ कड़क कड़क कॉफी। अरे नहीं नहीं चंद्रू जी, आपसे मिलना ही काफी है। आइए आइए राव साहब। नमस्ते मालिक। बैठी 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 बैठी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कहिए नई पिक्चर कब स्टार्ट कर रहे हैं? सब कुछ सेट हुआ इसलिए तो आपके पास आया हूँ। अरे आपके लिए तो जान हाजिर है मालिक। हाँ जी कब डेट्स? तू बात है साहब, सर मैं आपके लिए नहीं आपके पत्नी के लिए आया हूँ। मतलब उमा जी? जी हाँ। बात है चंद्र जी, आपके जो मैं कहानी बना रहा हूँ वो लड़की पे है, गर्ल स्टोरी। मैंने टॉप का म्यूजिक डायरेक्टर फिक्स किया, वो इसी कंडीशन पे एग्री हुआ है कि गाने उमा जी गाए। आप सब आपके हाथ में है। नहीं राव साहब, हमारे हाथ में कुछ नहीं, सब उन पे। वो अकेले कभी नहीं गाते, गड़बड़ हो जाएगी। आपको समझाइए ना। देखिए राव साहब, समझ का ताल्लुक दिमाग से होता है। मतलब? मतलब ये कि ये सब दिल की बातें। उमा जी ने एक तरह का प्रण ले रखा है कि वो अकेले कभी नहीं गाएंगे। नहीं, आप घबराइए मत राव साहब, उमा गाएगी। नहीं, मैं नहीं गाऊंगी कभी नहीं। बताओ क्यों नहीं गाओगी? मैं अकेले नहीं गाऊंगी। लेकिन क्यों? आप ही ने तो कहा था हम एक साथ गाएंगे, एक साथ रहेंगे। ओहो, कभी कभी तो तुम उमा नहीं बिल्कुल दादी माँ जैसी बातें करती हो। इसका ये मतलब है सोलो गाना तो मैं कभी गा ही नहीं सकता? आप गाइए, मैं नहीं गाऊंगी। फिर वही बात। अरे भाई तुम्हारे मेरे बीच में कोई फर्क है क्या? शादी के बाद हम दोनों एक नहीं हो गए? देखो तुम्हारे गाने का मतलब है मैं गाना गा रहा हूँ, मेरे गाने का मतलब है तुम गाना गा रही। फॉर एक्सक्लूसिव क्लासिक मूवीज डाउनलोड शेमारू मी ऐप नाउ।